तो दोस्तों आज 12 मई 2022 और आज मैं लेके आऊँ आपके लिए कोहिनूर फूड्स लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज। और इस कंपनी के ऊपर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें पंकज जी ने कमेंट किया था। सो अगर आपका भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। और अगर दोस्तों आप भी इस कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारीकी से हर एक चीज़ को, और चार पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पर भी एक नज़र डालेंगे, और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप गुरु जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। तो यह है इस कंपनी का दिसंबर 2021 का रिजल्ट, ठीक है। मार्च 2022 का भी मेरे पास थोड़ा बहुत अपडेट है। हम लोग यहाँ पे दिसंबर का क्वार्टर में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा ये देख लेते हैं। तो रेवेन्यू पे ईयर ऑन ईयर कंपनी को लगभग 56% का लॉस हुआ है। नेट इनकम में अगर आप देखेंगे कंपनी को 93% के आसपास कंपनी को ईयर ऑन ईयर लॉस हुआ था। अगर अर्निंग पर शेयर में देखा जाए दोस्तों तो ये भी लगभग 93% के आसपास लॉस में है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो 84% के आसपास कंपनी को लॉस हुआ है इस साल में। ऑपरेटिंग इनकम में दोस्तों 96% से ज़्यादा कंपनी लॉस पे है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अगर देखा जाए तो इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब लगभग 60% के आसपास लॉस पे है, ठीक है। तो दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के मुताबिक कंपनी बिल्कुल भी एकदम डाउन चला गया, फिर भी इसका शेयर प्राइस लगातार अपर सर्किट जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इसका शेयर प्राइस अपर सर्किट क्यों जा रहा है। हम लोग सबसे पहले इस कंपनी का फंडामेंटल को समझते हैं बारीकी से हर एक चीज़ को, तो मैं लेकर चलता हूं आपको screenart.in पे। तो हम आ चुके हैं दोस्तों screenart.in पे। आपको शॉर्टकट में बता दूं ये कंपनी जो FMCG का पेनी स्टॉक है, ठीक है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो 81.5 करोड़ इसका मार्केट कैप है इस वक्त। इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस देखेंगे तो लगभग 23 रुपये के आसपास जा चुका है। ऑलमोस्ट ये कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास है। लोएस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा 7 रुपया 75 पैसा। दोस्तों कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे हाइड करके रखा है, जो मैं वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कंपनी में आपका वैल्यूएशन इस वक्त किस तरह से होना चाहिए और कैसा है, ठीक है। तो बाकी का चीज़ें देख लेते हैं। आपको यहाँ पे बता दूँ ये कंपनी 139 रुपीज़ बुक वैल्यू पे माइनस चल रहा है, ठीक है, माइनस लॉस पे चल रहा है। आपको ध्यान रखना है, कहीं आप प्लस में ना समझ बैठे तो आपको दिक्कत होगा बाद में। तो ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है, इसको ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे दोस्तों तो इसका भी नंबर नेगेटिव है, यहाँ पे 4.5% के आसपास नेगेटिव है। एटलीस्ट यहाँ पे 13-14% के आसपास होना चाहिए था प्लस में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी हाइट करके रखा है यहाँ पे नंबर्स, तो मैं ये भी आपको नीचे बताने वाला हूँ। तो बाकी का चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू आप देख सकते हो 10 रुपये का है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको इस कंपनी का जो डिटेल्स है अभी थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो इस कंपनी का, हालांकि हर कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा घट चुका है कोरोना काल की वजह से। जो अच्छे अच्छे कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है नीचे आ चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 50% इसका सेल्स ग्रोथ घट चुका है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसके कारण इस कंपनी का जो सेल्स वगैरह है वो अभी भी लोअर मतलब ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड क्वार्टर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रनिंग दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस हुआ था 20.38 करोड़, ठीक है। और कंपनी का सेल कितना हुआ 22.61 करोड़। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में था, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी 2.23 करोड़ प्रॉफिट में था। हालांकि इससे सितंबर 2021 का क्वार्टर में कंपनी लॉस पे था, कितना 3.30 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। तो धीरे धीरे लॉस को कवर करके इस बार कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर प्लस में आ चुका है। 2.23 करोड़ कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे तो 0.41 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ था दिसंबर के क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 0.41% टोटल कंपनी को प्रॉफिट हुआ था दिसंबर के क्वार्टर में 2021 में, ठीक है। तो सेम चीज़ें हम कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रनिंग 2022 में कंपनी का एक्सपेंस हो चुका है 83.64 करोड़, और कंपनी का सेल कितना हुआ है आप देख सकते हो 74.27 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी रनिंग ईयर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 10 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस पर चल रहा है, 9.37 करोड़, ठीक है। ये ध्यान रखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी इस साल में लॉस पे है
6.66 करोड़। और अगर टोटल अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी को लॉस हुआ हो रहा है रनिंग ईयर में, इस साल में 8.55 करोड़ कंपनी लॉस पे है इस साल पे। तो लॉस चलने के बावजूद भी इसका शेयर प्राइस क्यों अपर सर्किट में जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। आप अगर पेनी स्टॉक्स के एक्सपर्ट हैं तो इस शेयर में बिल्कुल निवेश कीजिए, लेकिन आप अगर कंपनी का फंडामेंटल को बिलीव करते हैं तो दोस्तों ये कंपनी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको इस कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा किया है ये 2022 के ईयर में, 2022 में यहाँ पे 259.65 करोड़ इस वक्त इस कंपनी का लायबिलिटीज है, और इससे पहले का क्वार्टर में थोड़ा सा कम था 293.62 करोड़ का। यहाँ पे आपको एसेट्स भी सेम दिखेगा तो ये ठीक ठाक है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों मैं आपको इस कंपनी का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक आप देख सकते हो ये मार्च 2022 का क्वार्टर का अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2022 के बाद कंपनी का प्रोमोटर्स का होल्डिंग 54.56% का होल्डिंग है, शानदार होल्डिंग है। यहाँ पे देख सकते हो FIS का जो निवेश है यहाँ पे 0.03% है, और यहाँ पे DIS का निवेश देखेंगे तो 0.32% है। कुल मिला के यहाँ पे 45% के आसपास पब्लिक का होल्डिंग है। तो सिर्फ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो ये कंपनी ठीक ठाक है। तो अगर पूरा फंडामेंटल को देखेंगे तो ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी का जो फंडामेंटल है बहुत ही वीक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको किस तरह का फंडामेंटल पसंद है मुझे पता नहीं है। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इस कंपनी में निवेश करना, वैसे तो पेनी स्टॉक्स में वैसा ही रिस्क है, ऊपर से एक और रिस्क इस कंपनी में है। इसका फंडामेंटल बहुत ही वीक है, हालांकि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। तो चलिए एक नज़र हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो आपने देखा था इस कंपनी का फंडामेंटल में कि कंपनी लगातार ईयर ऑन ईयर भी लॉस पे चल रहा है, लेकिन इसका शेयर प्राइस लगातार एवरीडे अपर सर्किट में चल रहा है। इस वक्त लगभग 5% के आसपास आज के दिन शानदार रिटर्न दिया है। अगर आप इसका वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस हफ्ते में 5 दिन में कंपनी ने आपको 21% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है। मंथली चार्ट पैटर्न के मुताबिक 1 महीने के अंदर इसका शेयर प्राइस 132% का शानदार रिटर्न दे चुका है। 1 महीना पहले इसका शेयर प्राइस 9 रुपये का हुआ करता था, लगभग 9 रुपये 10 रुपये के आसपास। 10 का शेयर यहाँ पे लगभग 23 रुपये के आसपास जा चुका है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना तेज़ी से ये इस वक्त रिटर्न दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे अपर सर्किट जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको फंडामेंटल भी समझना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में दोस्तों बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है आपको ऐसा ही फंडामेंटल मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो लोग रिस्क को एनालाइज करने के बाद बिल्कुल निवेश करते हैं जिसको पेनी स्टॉक्स का मतलब पेनी स्टॉक्स में जिसको पेनी स्टॉक्स का एक हिसाब से अगर बोला जाए कि एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। मैक्स 6 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो 192% का ठीक ठाक रिटर्न दिया है यहाँ पे 6 महीने में। 6 महीना पहले इसका शेयर प्राइस देखे 7.5 रुपये के आसपास हुआ करता था। मैक्स आपको 1 ईयर का दिखा देता हूँ, 1 साल में इस कंपनी ने 192% का रिटर्न है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 साल पहले का ही है। यहाँ पे कुछ 1 साल में चार्ट पैटर्न कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। मैं आपको मैक्स 5 ईयर का दिखा देता हूँ, ठीक है। मैक्स 5 ईयर के मुताबिक 72% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है ये शेयर 5 साल पहले इसका शेयर प्राइस आप देख सकते हो 87-90 रुपीज के आसपास हुआ करता था। ये पे 90 रुपये का शेयर गिर के कितना कचरे के भाव में 5-6 रुपये में आ चुका था। बट फाइनली दोस्तों अगर देखा जाए तो ये लगातार लोअर सर्किट पर चलते चलते बीते 5 सालों से लगातार लोअर सर्किट पर चल रहा है। फाइनली यहाँ पे 2021 के अंत में और 22 के शुरुआत में एक ब्रेकआउट दिया और ये अपर सर्किट की ओर चल रहा है, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पे, एक ब्रेकआउट देके अपर सर्किट में चल रहा है इस वक्त। लेकिन पेनी स्टॉक्स दोस्तों कभी भी नीचे आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको मैक्स टू मैक्स दिखा देता हूँ। मैक्स टू मैक्स देखेंगे तो यहाँ पे 3% का नेगेटिव रिटर्न है। शुरुआत हुआ था इस कंपनी का जब 23 रुपीज़ के आसपास 2002 में, जुलाई 2002 में, ठीक है। 23 का शेयर यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से अपर सर्किट गया था, यहाँ पे 100 रुपया क्रॉस कर चुका था लगभग 2007-08 में। इसका शेयर प्राइस लगभग 150 रुपये के आसपास हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये कंपनी का भी इस प्राइस को छू नहीं पाया। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे कहते हैं कि आने वाले दिनों में अभी जो तेज़ी है इस कंपनी के शेयर्स को तो इस हाई को भी टच करके ऊपर जा सकता है। तो इस हाई को टच करके ऊपर जाने के लिए दोस्तों बहुत साल लग सकता है, और आने वाले दिनों में नहीं भी जा सकता है, जा भी सकता है, ठीक है। ये कोई नहीं कह सकता है कि जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। तो पॉसिबल भी बिल्कुल नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। इसके लिए आपको इस कंपनी का फंडामेंटल को अपनी तरफ से समझना है, उसके बाद ही निवेश करना है, ठीक है।
हम आपको एजुकेशन पर्पस बता रहे थे, आपको जानकारी दे रहे थे। हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।